पहली बात मैं सबको सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पर आए हैं। स्वच्छ भारत ये आई थिंक हर इंसान जो इंडिया में रहता है आज वो ये चाहता है कि हमारा देश साफ हो। और मैं यही एरिया में रहती हूँ, मैं लोखंडवाला बैक रोड पर रहती हूँ। और मुझे लगा कि मुझे अपना एरिया, सबसे पहले अपना एरिया क्लियर करना चाहिए। तो हम इस रोड के आखिरी एंड तक आए हैं जहाँ पर पता नहीं कितने सालों से कचरा जमा हुआ है। इनफैक्ट शायद लोग जानते ही होंगे बट मैनग्रूव्स भी हैं एकदम बगल में, और उसका कचरा इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि हम हाथ से उठा पाए क्योंकि वो प्लांट्स में अटका हुआ है। सो बट मैं चाहती हूँ कि इस अटेम्प्ट के बाद वो किया जाए बिकॉज मैनग्रूव्स पोल्यूट हो रहे हैं। एंड मेरा जस्ट एक पहला कदम है कि मैं अपना खुद का बैक रोड साफ करना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मेरे इस अटेम्प्ट में लोग और भी मेरी मदद करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है वो आए हैं यहाँ पर। एंड पीपल कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जैसे मेरी मैनेजर, मेरी मेकअप आर्टिस्ट, मेरा ट्रेनर, ये सब आके मेरी मदद कर रहे हैं। एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम बाहर गाँव जाते हैं हम कभी भी वहाँ पर कचरा नहीं फेंकते, बट जब हम अपने खुद के कंट्री में आते हैं हम पता नहीं क्यों लिटर करते हैं। अगर हम अपनी खुद के कंट्री को लिटर ना करें तो शायद हमें आज ऐसी सफाई करनी ना पड़े। सो ओनली प्ली टू एवरीबडी इज प्लीज डोंट लिटर योर ओन सिटी, इट्स फॉर योर ओन सिटी। एंड मैं आज बहुत खुश हूँ, आई थिंक ये मेरा पहला ही टाइम है जो मैंने इसको किया, बिकॉज इसको करने में वक्त लगने वाला है, एक दिन का काम नहीं है, शायद ज़्यादा दिन लग सकें, महीने लग सकें, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक दिन आए कि ये पूरा एरिया और एक दिन पूरा भारत एकदम स्वच्छ हो। जी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई एम जस्ट वन ऑफ देम। एक्चुअली मुझे ट्विटर पे राम, जो मेरा एक मेरे कलीग हैं, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था ये करने के लिए। एंड मेरे जहन में ऑलरेडी ये बात थी कि मुझे ये करना है, बट उन्होंने नॉमिनेट किया तो मैंने इमिडिएटली इस पर एक्शन लिया। एंड आई जस्ट फील ये आज मेरा सिर्फ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट नहीं होने वाला। तमन्ना, आप किसको नॉमिनेट करेंगी स्वच्छ भारत अभियान? मैक्सिमम नंबर ऑफ एवरीबडी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, अदर पीपल हु लिव इन योर, आई मीन आई वांट टू नॉमिनेट ईच एंड एवरी इंडियन। आई मीन इट्स नॉट, ये सिर्फ आर्टिस्ट का काम नहीं है या सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, ये लोगों का काम है। क्योंकि अगर हम सब, लाइक वैसे जब मैं ये रास्ते पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि सिर्फ प्लास्टिक बैग्स होते हैं, तो इट्स टेक्निकली देखने में क्लीन है पर प्लास्टिक बैग्स रैंडमली फ्लोट हो रहे हैं, तो इट्स क्लीन बट इट्स नॉट एग्जैक्टली वॉट यू वुड एक्सपेक्ट क्लीन टू बी। तो आई जस्ट फील ये हर एक इंडियन का काम है, इसमें नॉमिनेशन की किसी को जरूरत नहीं। प्लीज आप आगे आइए, प्लीज सब करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, मीडिया पीपल कर सकते हैं। हमारा काम एक एक्टर का होने का एक सिर्फ यही एक ड्यूटी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश की, और ये प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से है, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इसे एक अच्छा अंजाम दे सके। सो प्लीज इसमें आप हर इंडियन तक मैं रीच करना चाहती हूँ कि प्लीज गो एंड क्लीन योर ओन एरिया, डोंट गो फॉर एनीबडी एल्स, एटलीस्ट योर ओन बिल्डिंग्स, आपकी सराउंडिंग्स, आपको जो रीचेबल है, आपके लिए जो आसान है, वो भी अगर सब हर एक इंडियन करना चाहे तो आई थिंक इट शुड बी इनफ। यस बिल्कुल सी आई एम वेरी थैंकफुल नरेंद्र मोदी जी, ही इज गॉट इट, ही इज मेड एवरीबडी मोर एक्टिव अबाउट इट। एंड आज यंगस्टर्स में वो एक होप जागी है कि या यू नो इंडिया विल बी क्लीन, दैट होप इज देयर। सो वी आर एक्चुअली, ये आज का जो आप रिजल्ट देख रहे हैं कि एक्टर्स आ रहे हैं फॉरवर्ड, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं फॉरवर्ड, इज ओनली बिकॉज ऑफ अ होप दैट ओके यू नो वी हैव अ चांस कि इंडिया विल बी क्लीन। माय मोटिवेशन इज माय एरिया, आई मीन मैं कम से कम अपने खुद के एरिया को साफ कर सकूं, आई मीन दैट्स द फर्स्ट स्टार्टर्स, देन इफ आई कैन आई वुड लव टू ग्रो एंड क्लीन मोर प्लेसेस, बट शुरुआत के लिए अपने एरिया के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी इतना कचरा साफ नहीं किया है और इतनी खुशबू जो आई है, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। आई थिंक इट्स अ रियलिटी चेक हम सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि हमारे यहाँ पर, एंड इनफैक्ट मैं जब जगह को पहले देखने आई थी, आई वाज सीइंग पीपल पीइंग अराउंड दिस प्लेस।
I've actually seen that. I've still come and cleaned this place because people have to know that this is not a dump yard. It's a road. Yahan par aap jaake, you can't pee. That's not a place to use the loo. But you know, it's become such a common thing ki ek abhi badi baat nahi rahi, to sab karte hain. So that's the only problem that we are facing. Okay, Tamanna, you supported this campaign, but there was also a case which was being fought for like 6 years about how females were not allowed to be makeup artists in Bollywood. Ji. And today the verdict has come out wherein it's been abolished, and it's a great day because now women can also become like makeup artists in the film industry. Yes, I'm very, very happy. In fact, there is a female makeup artist right behind me who's cleaning this area. And she's my friend, and I know a lot of other female makeup artists. A girl wears makeup. Why can't a girl put makeup to her? And it's the silliest rule ever. And I have been facing this problem since I started my career. I cannot have a girl do my makeup, and the union will come to the set and create a problem, stop the shooting, which is a huge inconvenience for the producer. And obviously nobody wants to incur that kind of inconvenience, so it becomes really difficult to work like that. But I'm very happy, I'm very thankful that this verdict has come out, because it makes our life so much easy. I mean, it's for us, how you hold the mic every day, similarly makeup is like a daily job for us. And if a girl can't put makeup to a girl, means I don't understand. It's a girl's thing. It's like ask, you should say, it's like there can't be too many male there can't be female doctors, because there too male doctors should get, like, you know, because they should get more space. That was a fight which was really silly. So I'm really happy today the verdict has come. Thank you. Children's Day is something that I've always remembered from school, because that's the time where you really got the benefits of children. ये है कि ये है देसी कलाकार इंटरनेशनल सुपरस्टार, तो जब हम इन शहरों में जाते हैं तो वहां पे क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है. वहां पे कोई खामोश नहीं होता है, सब चिल्लाने लगते हैं, ओ सोनाक्षी सिन्हा, ओ दबंग, ओ सोनाक्षी सिन्हा. तो वहां